जनपद मैनपुरी के थाना कोतवाली कुरावली के कुंवरपुर में मकान के विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। इसके बाद हमलावरों ने युवक को दुकान पर आते समय सगे तीन भांजाओं ने कोतवाली से महज 50 मीटर की दूरी पर ईंट पत्थर से कुचलकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे आनन फानन में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पूरा मामला थाना भोगांव से जुड़ा है। भोगांव निवासी बसंत अपनी बहन के गांव कुंवरपुर में अपनी मां के नाम जमीन खरीदकर मकान बनाकर रह रहा था। बसंत की दो बीवियां थी। पहली बीवी के नाम बसंत की मां ने आधा मकान बनामा कर दिया था। बचा आधा मकान उसने अपनी नातियों के नाम कर दिया। इसके बावजूद भी आए दिन झगड़ा फसाद होता रहता था। आज सुबह के समय बसंत की मां और उसकी पुत्री में विवाद होने लगा, जिसमें बसंत ने विरोध करने पर दोनों पक्षों से लाठी डंडे चलने लगे। मामला शांत हुआ तो बसंत कोतवाली कुरावली के समीप खुद ही दुकान पर जा रहा था, तभी पीछे से आ रहे तीन सगे भांजाओं ने कोतवाली से मात्र 50 मीटर की दूरी पर पकड़ लिया और ईंट पत्थर से कुचलकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई है। कुरावली जनपद मैनपुरी का है। इसमें आज एक व्यक्ति को उसके सगे भांजे ने ईंट से पीछे से सिर पे वार कर दिया, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। CHC कुरावली के बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया है। मृतक बसंत कुमार का अपने भांजों से और अपने जीजा से कुछ 50,000 से 1,00,000 रुपए की लेन देन को लेकर के घरेलू कलह चल रहा था। इसी घरेलू कलह में ये घटना कारित की गई है। इसमें भांजा जो शिवम है उसके द्वारा ईंट से प्रहार करके गंभीर चोट कारित करना प्रकाश में आया है। मृतक की पत्नी ने 5 लोगों के खिलाफ, जो कि इसके मृतक के 3 भांजे हैं, मृतक का जीजा है और मृतक की ही सगी बहन है, उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। इन 5 में से 4 मुलजिमों को तत्परतापूर्वक हमारी कुरावली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी और इसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।